गुड एमसी दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी को मालूम होगा कि हम आईएमसी ने बहुत ही बेहतरीन डीएसएम सॉफ्टवेयर है, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च कर दिया है। तो इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स लॉन्च हुए हैं। तो बहुत सारे नए एसोसिएट्स हैं, उनको दिक्कत हो रही है कि ऐप क्या हो गया, काम करना बंद कर दिया, लोग परेशान हो रहे हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स आने वाले हैं और कैसे हम इसे डाउनलोड करेंगे और कैसे ऑपरेट करेंगे। तो पूरी जानकारी इस वीडियो पे आपको मिलेगी, तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे आपको बाद में कुछ परेशानी ना हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करने के बाद हम प्ले स्टोर पर जाएंगे, ठीक है। तो प्ले स्टोर मोबाइल में सर्च करेंगे हमारा प्ले स्टोर कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर को सर्च करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा प्ले स्टोर मिल गया है। इसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे आईएमसी बिजनेस ऐप, आईएमसी बिजनेस ऐप, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सर्च करने के बाद बहुत सारा यहाँ पे ऐप आ जाता है। तो हमें स्मार्टली यहाँ पे चूज़ करना होगा कि ओरिजिनल ऐप आईएमसी का कौन सा है जिससे हम बिजनेस को अपनी आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए सर्च करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया आईएमसी बिजनेस ऐप, तो यहाँ पे आपको पहचानने में कन्फ्यूज़न होगा। तो देखना क्या है, यहाँ पे इसका जो साइन होगा इस तरह का होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा जो लोगो होता है आईएमसी बिजनेस ऐप का, जो लेटेस्ट लोगो है वो लॉन्च हुआ है, वो इस तरह है। इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं ओपन करूँगा। देखिए ओपन, ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद क्या करना है, अपनी आईडी और पासवर्ड डालना है। तो मैंने अपनी टीम की आईडी पासवर्ड डाली है, फिर इसे लॉगिन करते हैं। यहाँ देखिए ऐप ओपन हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, कॉन्क्लूजन देखिए, हमारा ऐप ओपन हो गया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी। तो देखते हैं पहले हम इसे समझना कैसे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या लिखा गया, वेलकम, जिनकी आईडी नंबर है, योर लास्ट लॉगिन टाइम, ये ध्यान शो कर रहा है। और यहाँ पे जो हमारा करंट लेवल है वो शो कर रहा है कि करंट लेवल कौन सा है, तो *1 पे है। *1 कहने का मतलब है 10% का लेवल है। और उनका लेवल क्या है, वो मेंटेन लेवल है, हाईएस्ट लेवल है उनका ये रहा। और स्टेटस क्या है, वो एक्टिव है, मतलब प्रोडक्ट डेली यूज़ कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। और इसके बाद नीचे में उनका नाम आ जाएगा, उनका नाम शशि जैन हुआ। काउंट आपका, काउंट मतलब यहाँ पे टीम, उनके कितने कितने जन लोग हैं उनके टीम में, तो 4 जन है। लेवल क्या है, 10% का है। और फास्ट सुपर स्टार बीवी, मतलब जो हमारा पर मंथ का जो सुपर स्टार, फास्ट सुपर स्टार का जो ऑफर चलता है उसका यहाँ पर जानकारी दिया गया है। इसके बगल में करंट मंथ बीवी, मतलब इस महीने जो परचेजिंग होगी उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। और इसके बगल में टोटल कम्युनिकेटिव बीवी, इसका मतलब क्या हो गया कि जब से आईएमसी उन्होंने ज्वाइन किया है तब से लेकर आज तक जो जो परचेजिंग हुई है पर्सनल और ग्रुप वाइज, तो सभी का रिकॉर्ड यहाँ पे शो करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कॉलम देख रहे हैं आप, पहले जिस तरह से कॉलम था सेम उसी तरह से, इसमें कोई डिफरेंट चेंजेस नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो लेवल का, जो करंट लेवल, मेंटेन लेवल, हाइस्ट लेवल और स्टेटस है, वो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में। और कलर भी बहुत ही बेहतरीन है। साथ में हमारा KYC वेरिफिकेशन स्टेटस है, वो भी बहुत बेहतरीन तरह से यहाँ पे दिखला रहा है। और बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस और पैन कार्ड वेरिफिकेशन स्टेटस भी अच्छी तरह से यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बहुत ही क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा ये पहले राइट साइड में होता था, अभी हमारा लेफ्ट साइड में हो गया। तो ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या आता है कि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग सेलर पैनल में क्या है, पहला ऑप्शन है हमारा होम। तो होम में क्या क्या ऐड हो गया है, तो डैशबोर्ड है, KYC डॉक्यूमेंट है, बैंक डॉक्यूमेंट है आपका। तो KYC को जब हम ओपन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि वहाँ पे जिस तरह से पहले था सेम टू सेम उसी तरह है। तो कुछ इसमें कलर ऐड किया गया है जो बहुत ही गुड लुक लग रहा है देखने में। और बैंक डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट लिस्ट, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट तो बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे जो लेटेस्ट जितने सारे प्रोडक्ट अभी तक आईएमसी में लॉन्च हुए हैं, और जो जो नए नए प्रोडक्ट हैं उसके सभी के डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो कोड भी दिया गया है आपका, उसका नाम भी दिया गया है। हमने ओपन किया है हेल्थ केयर में 152 प्रोडक्ट्स हैं। और यूनिट के वाइज उसके भी दिया कि क्या कितना ग्राम आती है, इसकी क्वान्टिटी क्या होती है, और उसके साथ ही साथ इसकी MRP कॉस्ट क्या है, ID कॉस्ट क्या है, BV क्या है, और कितने पीस उसके अंदर प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका से यहाँ पर पूरे डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। अब हमें बार बार अपना PDF फाइल, प्राइस लिस्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से हम यहाँ पे डेटा चेक कर सकते हैं। और बात किया जाए प्रोडक्ट लिस्ट में क्या क्या है, तो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर, प्रोमोशनल,
गारमेंट्स, मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब हो गया जो IMC का जो क्लॉथ हो गया, जैसे टॉवेल हो गया, बार टॉवेल हो गया, बॉक्सर हो गया आपका, हैप्पी सोल शूज जिसे बोलते हैं, वेस्ट हो गया, टॉवेल हो गया, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में जिस तरह से मान लिया जाए हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट था एग्रो एक्टिवेटर, उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर फूड प्रोडक्ट भी है और अदर प्रोडक्ट भी जानकारी अच्छी तरह दी गई है। तो बहुत ही गुड लुक लग रहा है देखने में और वाकई में ज़्यादातर लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि आज की डेट में अपडेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके पहले माय डियर फ्रेंड स्टोर लोकेटर में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, तो देखते हैं इसमें स्टोर लोकेटर में क्या चेंजेस किया गया है वो भी देख लेते हैं। तो स्टोर लोकेटर जब ओपन किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर स्टेट को चुनेंगे सबसे पहले, तो हमारा स्टेट हो गया झारखंड, झारखंड चूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हज़ारीबाग हो गया, तो इसमें क्या चेंजेस किया गया है, सीरियल नंबर है, लेवल है, कोड है, ठीक है जो, और इसके साथ नेम में ये भी सही है और स्टेट भी सही है। माय डियर फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि हमारा जो पहले क्या होता है SMS आता था कि हम किसी भी आउटलेट का DD का मोबाइल नंबर निकाल पाते थे, अब ये ऑप्शन हटा दिया गया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ कुछ प्रॉब्लम लोगों को क्रिएट होना शुरू हो जाएगा कि नंबर हम कैसे ले पाएंगे वहाँ का। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे ऑप्शन नहीं दिया गया है कि दुकानदार का नंबर कैसे मिलेगा, थोड़ा यहाँ पे हमें दिक्कत होने वाली है थोड़ा से। तो मेरे ख्याल से ये अपडेट और बेहतरीन होगा इसमें। चलिए और इसके पहले फिर देखते हैं और क्या क्या इसमें चेंजेस किया गया है, थोड़ा यहाँ पे हमें डॉट लग रहा है। फिर माय परचेज का जो ऑप्शन था कि हमने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया उसकी जानकारी हम यहाँ ले सकते हैं कि कब हमारी किस दिन हमने प्रोडक्ट परचेज़ किया था, दुकानदार का नाम क्या था, बिल ID क्या थी, अमाउंट कितना ख़रीदा था, कितना हमें BV मिला, वो भी डिटेल आसानी से मिल पाएगी हमें। माय ऑर्डर बुकिंग ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि हमने क्या क्या ऑर्डर बुक किया था, किस दुकान से किया था, कब किया था। इसके बाद हमारा देखिए प्रोडक्ट ऑफ़र, अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ़र भी जान पाएंगे, लेकिन क्या लिखा है, करेंट नो ऑफ़र इज़ अवेलेबल ऑन योर ID, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। रजिस्टर का यहाँ पे देखिए जिससे हम बोलते हैं ID लॉगिन करने का जो ऑप्शन है, यहाँ पे रजिस्टर के नाम से आया है, तो क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम ले रहा है, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये ओपन हो गया हमारा, सेम टू सेम उसी तरह प्रोसेस है, कुछ इसमें चेंज नहीं किया गया है, लेकिन देखने में जो लुक है वाकई में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, गुड लुक लग रहा है देखने में। इसके बाद हम डाउनलाइन जो चेक कर पाएंगे वो भी ठीक है, उसके बाद इनकम चेक पाएंगे अपने, उसके बाद अकाउंट में यहाँ पे देखिए माय डियर फ्रेंड वेलकम लेटर है हमारा, ID कार्ड है, प्रोफाइल है, चेंज पासवर्ड है। तो ID कार्ड देखिए, ID कार्ड का जो लुक है वो थोड़ा चेंज किया गया है, तो बहुत ही अमेजिंग लुक यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो ID कार्ड है पहले के मुताबिक थोड़ा डिफरेंट किया गया है, तो ये भी लुक अच्छा लग रहा है देखने में। और इसके बाद हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट में देख सकते हैं जनरेट टिकट है, माई टिकट है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से ऐप को मॉडिफाई किया गया है, वाकई में लुक बहुत बेहतरीन है। थोड़ा सा यहाँ पर डिमेरिट हम लोग देखने को मिल रहा है कि हमारा जो स्टोर लोकेटर का जो नंबर था DD वाले का, आउटलेट वाले का, वो हटा दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ये लेटेस्ट में कुछ ही दिन बाद अपडेट यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे नए नए आउटलेट्स के नंबर कॉन्टैक्ट्स हमारे पास नहीं होंगे, हो सकता है उसे अरेंज करने में टाइम लग रहा है, तो कमिंग सून में ये होगा। तो माय डियर फ्रेंड मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से जानकारी यहाँ पे दे दी है, अगर कुछ जानकारी बच गया है तो अपने कमेंट में करें, आपको और भी जानकारी दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने टीम को शेयर करें, उन्हें बताएं कि वाकई में IMC का जो ऐप है वो लॉगिन हो चुकी है, आप लॉगिन कर सकते हैं और अपडेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, गुड IMC।